लम याद नजीरु कफी किसी नजर में। ये तो बरेली वाले ने कहा किसी नजर में दीदार तो हुआ हजरत को मुस्तफा का, मदीने में जाके दीदार किया, मगर कहते किसी नजर में नहीं आया। लम याद नजीरु कफी नजरिन, आपकी तरह किसी नजर में कोई नहीं आया। अच्छा आता भी कैसे, तवज्जो है ना मेरी तरफ, सुभान अल्लाह नहीं बोलो को शहीद हो सा राजा ना बोलो शहीद हो सा राजा ना जग राज को ताज बता दो जग कमाना बोलो जग कमाना दुनिया जग कमाना राज कमाना हुकूमत राज कमाना जग राज को ताज जग राज पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज सीधा सीधा तर्जुमा है जग राज को ताज पूरी हुकूमत पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज तो रे सर सो आप ही के सर पे अच्छा लग रहा जग राज को ताज तो रे सर सो है अरे ये तो मुहावरा है ना भाता है आप ही के सर पे भाता है जग राज को ताज तो रे सर सो है पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज शहे शाह कमाना बादशाह कभी कभी शायर पढ़ देते इसे तुझको शहे दूसरा जाना है क्या पढ़ते थे दूसरा शायर इसको पढ़ते वो तो आपकी अजमा आप जो शायरी का जिक्र कर रहे थे ना आजकल की शायरी टूटी फूटी कभी बांस का जिक्र कभी घोड़े का जिक्र कभी टांगे का जिक्र न जाने काय काय का जिक्र ये शायरी आला हजरत की है आला हजरत फरमाते तुझको शहे दो सरा दो सरा दो ये भी सरा वो भी सरा दुनिया की सरा आखिरत की सरा हम तुझको शहे दो सरा जाना दोनों जहान का बादशाह जाना आला हजरत फरमाते अल बहर वाला वल मौज तगा मन बेकस तूफान होश रुबा मझधार में हूं बिगड़ी है हवा मुरी नैया पार लगा जाना है बोले यार सुभान अल्लाह अल बहर वाला अल बहर वाला समुंदर ऊंचा है वल मौजो तगा मोजे भी बड़ी बड़ी बुलंद ऊंची ऊंची सरकशी कर रही वल मौजो तगा मन बेकस मैं बेसहारा हूं तूफान होश रुबा तूफान होश उड़ा देने वाला है अल बहर वाला तवज्जो है ना मेरी तरफ है ये शायरी की खूबी बता रहा हूं अल बहर वाला वल मौजो तगा मन बेकस तूफान होश रुबा मझधार चक्कर काटे आगे न बढ़ने दे वो है मझधार जहां कश्ती को पानी रोक दे वो है मझधार जहां आगे न बढ़ने दे मझधार आला हजरत फरमाते मझधार में हूं तवज्जो मेरी तरफ नहीं है
पहले कश्ती जो चलती थी वो हवाओं से चलती थी, गाड़ी से चलती थी, बोलो। ऊंचा पर्दा होता था, पर्दे पे हवा टकराती थी, उसको बोलते बाधवानी कश्तियां। आला हजरत फरमाते धार में हूँ, बिगड़ी है हवा, हवा भी सीधी नहीं है, मैं किधर को जाना चाहता हूँ लेके किसी तरफ को जा रही, मंज धार में हूँ, बिगड़ी है हवा। अब आला हजरत का फरमा फैसला सुनो, आला हजरत फरमाते हैं अली बहरों वाला पर मौजू तका मन बेकस तूफा होश रूबा, मंज धार में हूँ, बिगड़ी है हवा। या रसूल अल्लाह मुरी नैया पार लगा जाना, कौन लगाएगा पार बोलो, है या रसूल अल्लाह मुरी नैया पार लगा जाना, मुरी नैया पार लगा जाना। और सुनो एक शेर और बता रहा हूँ, अनफियत शू व सखा का अतम, अनफियत शू व सखा का अतम, तवज्जो रखे मैं प्यासा हूँ, आपकी सखावत बड़ी है, बोलो मुस्तफा की तरह सखी है कोई? यहूदी आया, मुस्तफा कुछ चाहिए मेरे आका ने इतनी बकरियां दे दी, इतनी बकरियां दे दी कि एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के दरमियान जो खाली जगह थी, वादी थी, वो सारी की सारी वादी बकरियों से भर गई। वो हाँक के ले गए, अपने गांव में पहुंचा और गांव में जाके अपनी कौम से बोला, अपने हम अकीदा लोगों से, हम मसब यहूदियों से बोला, यहूदियों असली अनफियत शिव इतने देते, मोहम्मद इतने देते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अपने आता इतना देते, इतना देते। वो कहते ऐ कौम, ऐ कौमी अस्लिमु, ऐ मेरी कौम मुसलमान हो जाओ, फइन्न मोहम्मद युति अदान ला यखाफुल फक्रा, मोहम्मद इतना देता, इतना देता, मोहताजी का खौफ ही नहीं रहता। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है सर्रा तेरा, और ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उल्टा हो पड़े। कितना कितना देता है आसमा खान, जमी खान, जमाना कभी समझ ले कोई कि आसमा खान आसमान की खान साहब है। एक साहब तो यही समझ बैठे थे कि देखो अभी खान के होने पर दलील देता हूँ मैं, आला हज़रत ने कहा आसमा खान, जमी खान, आसमान भी खान साहब है, जमीन भी खान साहब है, वो दलील दे रहे खान साहब होने पर। मगर यहाँ खान का माना खान नहीं है, यहाँ खान, खान का माना है दस्तर खान, खान का माना क्या है बोलो, दस्तर खान।